इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को हम सिंटैक्स के एक्सरसाइज करवाने चल रहे हैं और वो टॉपिक है आपका प्रोनाउन। आपको बताए थे कि किसी प्रोनाउन टॉपिक से आप लोग नोट कर दीजिएगा अपने रूल्स को, या अपनी बुक से आप नोट करके इसको समझते चलिए। जैसे मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस आपका लिया, आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है लिखा गया इट इज दे। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, इट इज दे। Who has done this work? Who has done this work? अब देख लीजिए एकदम सिंपल सा सेंटेंस है आपका कि who हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको ध्यान रखना है, जो किसके लिए यूज किया गया, दे के लिए। ठीक है, अब एक चीज आपको यह बताया गया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है ना, वो आपको पहली बात तो बताया गया पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब दे क्या हो गया, प्लूरल नंबर में है, वो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम मान लीजिए यहां पर क्या है, पर्सन है, क्योंकि दिस वर्क डन कर रहा। अब वो यहां पर लेकिन क्या हो गया, जो ये वर्ब लेता है ना, जिस इंसिडेंट के अनुसार लगाया गया होता है उसके अनुसार लेता है, तो दे यहां पर प्लूरल नंबर है और हैज हमने सिंगुलर नंबर प्रयोग किया है। इसका करेक्शन करने के लिए हमको यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, हैव का। ठीक है, अब आपको पता हो गया इट इज दे लिखा गया, हु यहां पर क्या लिखा गया, हैव कर दिया गया, हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क। कभी अगर आप यहां पर कहते इट आर दे तो सेंटेंस हमारा क्या है, हॉर्ड लग रहा है, इट आर दे नहीं होगा, इट इज दे। देयर आर होता तब वहां पर हम लगाते, क्योंकि देयर भी क्या लेता है, तब इसके अनुसार वर्क लेता है। अगला सेंटेंस हमारा है योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, ये आपका हो गया था। आई एंड यू हैव डन इट, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आप लोग यू एंड आई कर लीजिएगा। इसके बाद लिखा गया दिस पेन इज माई, देखिए क्या लिखा गया, दिस पेन इज माई। ठीक, अब अगर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आता हो, ध्यान दीजिएगा, माई लिखा गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हमको यहां पर इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जरूरत है, जबकि हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं यहां पर, कहा गया कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हमारा होता है, जैसे ब्यूटीफुल लगा देते हैं, हैंडसम लगा देते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पर हम प्रोनाउन लगाएंगे। लिखा गया दिस पेन इज, जो माई लिखा गया ना, यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, माइन का। किसका प्रयोग करेंगे, माइन का, माई हमारा रॉन्ग होगा, इसका करेक्शन क्या होगा, दिस पेन इज माइन। क्लियर होगा, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जैसे यहां पर हम लिखते हैं ना माई एंड माइन, तो इन माई एडजेक्टिव होता है, माइन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, यहां इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आएगा, माइन आएगा। अगला सेंटेंस लिखा गया व्हाट इज इट, तीसरा सेंटेंस व्हाट इज इट, व्हिच ट्रबल्स यू सो मच, आप एक सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है ना, यहां पर एक सेंटेंस आपका है, सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्या है क्या नहीं है, आपको अगर रूल पता है तुरंत आप पकड़ेंगे। यहां पर व्हिच लिखा गया, व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इट है, इट के लिए यहां पर व्हिच का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होता है, अगर आप थोड़ा सा रूल पर जाएंगे तो जहां पर लिखा गया, रूल नंबर अगर 16 आप किताब खोलते हैं, यहां पर लिखा गया है हु अथवा व्हिच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में हो सकता है। पहला कब है, अगर एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री हो। इसके बाद लिखा गया अगर कहीं पर ऑल एनी नन नथिंग ओनली आदि का प्रयोग किया गया हो तो वहां भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु व्हाट आदि नहीं हु और व्हाट आर इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है तो उसके पश्चात दैट का प्रयोग होगा। देखिए व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, यहां पर व्हिच लगाया गया, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसको आपको रूल को याद रखना है कि किन कंडीशन में हु और व्हिच के स्थान पर हम दैट का प्रयोग
करते हैं। पहला बताया गया सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ दैट का प्रयोग होगा। दूसरा रूल है अगर कहीं पर ऑल एनी नन नथिंग वनली का प्रयोग किया गया है तो वो भी आपका क्या लेगा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। जैसे मान लिया एक एग्जांपल हमने यहां पर लिखा, लिखा गया दिस इज, इसके बाद लिखा गया क्या द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट फ्रिज, ठीक है, कुड डू। अब यहां पर देखिए फ्रिज का प्रयोग किया गया ना, लेकिन बेस्ट हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए इसका भी करेक्शन हम करेंगे तो यहां पर किसका प्रयोग होगा दैट का, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला ऐसे लिखा गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या लिखा गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब आपका एक सेंटेंस हो गया ऑल दैट ग्लिटर्स। अब देखिए यहां ऑल के साथ हम दैट का प्रयोग किया गया, सेंटेंस करेक्ट है। अगर यहीं पर हम किसका प्रयोग करते फ्रिज का या हु का प्रयोग करते हैं, तुम्हारा सेंटेंस क्या होता गलत हो जाता। ऐसे कहीं पर आल एनी मतलब ये सब सारी चीजें आती है, इस रूल को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू फॉर दिस क्लास, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे।